एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है और हम लोग ई रिक्शा में बैठ करके कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो आपको बता देती हूँ कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्योंकि कल बहुत ही खास मेरी मन्नत पूरी होने वाली है। बहुत दिनों की मन्नत थी, तो बस उसी के लिए मुझे तैयारियाँ करनी है। तो सबसे पहले हम पूजा की शॉप में आ गए हैं। यहाँ पर हमें पूजा में जो जो चीज़ें लगनी है वो सारी खरीद लेनी, तो यहाँ पर सारा कुछ सामान मिल जाता है। और आद्या का सारा अटेंशन ना आइसक्रीम की तरफ है, तो यहाँ पर मैं सुहाग की चीज़ें ले रही हूँ, क्योंकि पूजा में चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आप चढ़ा सकते हो, लौंग है, इलायची है। यहाँ पर आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा और एक लाल कपड़ा भी मैंने बिछाने के लिए ले लिया है। तो बस यही सारी तैयारियाँ हम कर रहे हैं और सामान आज ही खरीद लेंगे और कल निमंत्रण भी सबको आज ही दे देंगे और कल ही करना होगा हमें। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सा कार्यक्रम करने वाली हूँ। तो हम लोग चटपट माता की सुहागने मैं खिलाने वाली हूँ, उसी के लिए मैं तैयारियाँ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है। खोया और चीनी का मिक्स करके प्रसाद बनाया जाता है। तो अभी घर आ चुके हैं हम लोग, अगले दिन का गुड मॉर्निंग है। अभी सुबह के 5:30 और आज में थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है सुबह सुबह से, तो मैं अभी निकली हूँ थोड़ा सा वॉक पे और साथ ही साथ पूजा के लिए फूल भी ले आऊँगी। और मेरी बच्चे अभी सब सो ही रहे हैं, तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मैं आलू जो है वो फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। और बहुत सारे लोगों का आज के दिन व्रत भी है, जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं सारे लोग, तो उनका व्रत भी है, तो जिसकी वजह से मैं आलू फ्राई करने के लिए रख दे रही हूँ। तो आलू फ्राई कर लेंगे और कुछ नमकीन वगैरह, जिनका व्रत नहीं होगा तो वो नमकीन वगैरह ले लेंगे, और मखाने और मूँगफली फ्राई करके रख देना है। तो यही सारी चीज़, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रसाद में मैंने हलवा और चना भी बनाया हुआ है, और मैं आज माता रानी का कीर्तन भी करने का सोच रही हूँ। वैसे भी चटपट महारानी के सुहागने खाने के बाद फिर थोड़ी देर कीर्तन वगैरह भी हो सकता है, तो बस मेरी इच्छा थी कि थोड़ा सा माता रानी का कीर्तन भी हो जाए, तो वो ही मैं करने का सोच रही थी। तो अपने कामों में मैं लग चुकी हूँ और सोच रही हूँ धीरे धीरे सारे काम जल्दी से निपटा लूँ। और अकेले हूँ, निधि तो है ही, लेकिन दो दो बच्चे भी हैं, तो निधि बच्चों को भी संभाल रही है। अक्षत आद्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और आद्या की कल से तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है, रो रही है बार बार, तो उसको भी देखना। सुहागने बहुत जगह बोला जाता है, वही करने जा रही हूँ और मैं अभी तैयार हो गई हूँ।
ये देख सकते हो, और येलो और रेड में मैंने बैंगल पहन लिए, मंगलसूत्र पहन लिया है, ईयर रिंग्स डाल ली है, सिंदूर ऐसे लगा लिया है और पीछे जूड़ा ऐसे ही बना लिया है नॉर्मल सा। सारे लोग आ चुके हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो बाहर में लोग, सब लोग आ गए हैं। और इधर मैंने प्लेट्स निकाल के रख ली है प्रसाद के लिए, प्लेट्स प्रसाद के लिए निकाल लिया है। और बस अब जैसे ही सारे लोग आ जाएंगे तो फिर फटाफट प्रसाद निकाला जाएगा और खा लिया जाएगा, मतलब पूजा होगी फिर प्रसाद सभी लोग खाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं हम। ये देखो हलवा और चना भी भोग के लिए बनाया हुआ है, और ये व्रत वाला आलू है, ये व्रत वाला मखाना मूंगफली है। तो सारा कुछ इंतजाम हो गया है, आद्याक्षत भी नहा चुके हैं कहीं। चटपट माता की सुहागनों में 7 सुहागिन औरतों को खिलाया जाता है। और इस तरीके से कलश रखा गया है, कलश के ऊपर आम की टिरई रखी गई है, उसके बाद उसमें आटा कटोरी में भर के रखा गया है और एक घी का दीपक जला दिया गया है। और इस तरीके से पान है, पान में सुपारी लौंग इलायची वगैरह रख करके गौरी और गणेश बनाए जाते हैं। तो गौर उसी की बनाई जाती है, जो गाय का गोबर होता है उसी की गौर बनाई जाती है। और बस उसी गौर को इस तरीके से सिंदूर हल्दी कुमकुम चंदन वगैरह लगा करके लाल फूल माता रानी को अर्पित किया जाता है। 2 कटोरियों में मैंने प्रसाद निकाल कर रख लिया है, लौंग 7 लौंग 7 इलायची यही चढ़ाया जाता है। और माँ को पान का बीड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 1 पान बनवा करके उनको स्पेशली अर्पित किया जाता है। चूड़ी है और बिंदी है, यही सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो इसी तरीके से पूजा जो है वो करी जाती है। और पहली बार है कि मैं चटपट माता की पूजा वो अकेले कर रही हूँ, नहीं हमेशा कभी ससुराल में होती थी, कभी मायके में होती थी। तो मैंने देखा तो कई बार है, लेकिन अब पहली बार अपने उससे कर रही हूँ। तो इस तरीके सभी के आँचल में अभी प्रसाद दे दिया गया है और अब आरती हो। सीधा बजाओ, सीधा बजाओ अध्या। पानी गिर जाएगा। बुढ़िया चारा पानी सब देती होती थी, गाय को खिलाती थी, अपना सेवा करती थी, लड़के को भी बनाया दूध खिलाया, लड़का आलसी होता चला गया। फिर एक दिन उसकी अड़ोस पड़ोस में बोली कि शादी कर दी। अब शादी करने पर बहू भी आ गई, फिर भी बहू भी उसी तरह हो गई, बुढ़िया बहू।
कुछ इस तरीके से माता रानी का छोटा सा कीर्तन भी हो गया है और बहुत अच्छा लगा, सभी लोग आए। वैसे तो हमारी कॉलोनी में ज़्यादा लोग नहीं हैं, जितने लोग भी हैं सभी लोग आए, बहुत अच्छा लगा। अब निधि भी आरती कर रही हैं, तो अक्षत देख सकते हो कितने ज़्यादा खुश हैं, घंटी बजाने में लगे हुए हैं। तो अभी इसके बाद अब सब लोग चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह से चटपट महारानी की पूजा जब होती है तो व्रत रखा जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है, और उसके बाद सबसे पहले सीधे प्रसाद ही खाया जाता है। और प्रसाद खाने के बाद फिर ना मीठा मीठा खाने के बाद मन करता है ना कि कुछ थोड़ा सा नमकीन हो जाए, तो यहाँ पर बस हम लोग चाय नमकीन यही सब जो नाश्ता बने बनाया था वही सब हम लोग खा पी रहे हैं। तो चलो फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।